हाथ देख लो कि फोन की प्यारा मौसम हो रहा है। लगा दी मम्मी ने एरिया की हर एक गया फाइनली इतनी मजे आरी का ब्लेड भी ले। देख लो बारिश कितनी तेज आने टांगने टांगने का काम। तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। गाइस टाइम हो रहा है 8:30, मैं उठ चुका हूँ सोके। अभी फिलहाल बस जल्दी से जल्दी नहाना है और फिर अपना चलते हैं बाहर खाना पीना खाने, क्योंकि मम्मी बोल गई ब्रेकफास्ट कर ले, एक ही बार मैं बर्तन वगैरह धो दूंगी, फिर मम्मी को भी काम वगैरह करने होते हैं ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो अभी फिलहाल नहाते हैं और रेडी होते हैं जल्दी से जल्दी। चलो जी मैं नहा दूँ पहले। तो गाइस नहा दो ऑल सेट और आज फिर से मैंने वही अपनी पुरानी वाली टी शर्ट्स पहननी शुरू कर दी, क्योंकि भाई मेरे बस की नहीं है कि नए कपड़े। तो अभी चलते हैं दूसरे वाले रूम में, खाना पीना खाते हैं कुछ। तो गाइस ब्रेकफास्ट में है आलू टमाटर की सब्जी, पराठे और दूध, चम्मच ले लेते हैं। अब लेकर चलते हैं बाहर और खा। अरे गिर ना जाए, कल भी गिरता बचा था, लेकर चलता हूँ। तो गाइस कर लिया ब्रेकफास्ट, अब इसे अरे आ रही हो तो पूरा ऊपर तक ही तह लग रही। चलो पानी छोड़ना इसमें थोड़ा सा। चलो जी खा लिया खाना, मतलब कि ब्रेकफास्ट, अब चलते हैं अंदर। तो गाइस टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और भाई अभी मेरे को लेनी है अपनी दवाई, तो दवाई लेते हैं। तो गाइस दवाई तो ले ली और अभी फोन की बैटरी है सिर्फ 13%, तो मैं सोच रहा हूँ फोन चार्जिंग पे लगा देता हूँ और दूसरे रूम में जाके बैठ जाऊंगा। तो गाइस टाइम हो रहा है 10:30 और अभी जा रहा हूँ मैं बाहर मार्केट तो सामान लेने के लिए, मतलब कि ऊपर जो व्हाइट सीमेंट है वो लेके आना है। बारिश आ रही यार, बारिश आ रही भाई, फायदा क्या जाके। सोचा था कि अभी ले आऊंगा आज सामान ले आऊंगा, बट यार बारिश आ रही है, लग रहा है इसका नसीब में ही ना। भाई हर चीज़ तैयार थी, कपड़े वगैरह के लिए पैसे ही मैंने ले लिए, व्हाइट सीमेंट लेके आना था और लगाना था। भाई बारिश आ रही, कहीं नहीं जा सकते, नसीब में ही ना व्हाइट सीमेंट शायद। भाई ये देख लो बारिश कितनी तेज आने लगी, अभी तक तो ठीक थी और एकदम से बड़बड़ शुरू होने लगी। भाई नसीब में ही ना बाहर जाना, ऊपर लगता ही ना सीमेंट अभी एक दो दिन और, क्योंकि अब बारिश आ रही है तो लगा नहीं सकता और फिर गिल्ला हो जाएगा तो फ़ायदा कुछ नहीं। गाइज मैं तो जाने वाला था, देखो मैंने हर चीज़ रेडी कर ली थी, पैसे भी ले लिए, कपड़े भी पहन लिए थे, हर चीज़ मैं, बट बारिश होने लगी तो अब फ़ायदा तो है नहीं। अब फिर एक दो दिन की गई बात, क्यों ऊपर वो गीला हो जाएगा, जब तक वो सूखने का नहीं तब तक लगने का नहीं। तो अपना फ़ोन लगाते हैं चार्जिंग पे और चलते हैं दूसरे कमरे में। तो गाइज रुकी तो है बारिश दोबारा से, अब दोबारा ट्राई करके देखता हूँ कि शायद मिल जाए, तो चलते हैं अभी, है ना। चलो चलते हैं। चलो अभी तक तो बारिश हो रही थी और अब देखिए धूप कितनी जोर से निकल गई। भाई हाय राम, शायद मिल गया। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, अपने एरिया की हर एक दुकान का पता होता है कि इस दुकान पे ये सामान मिल जाएगा। भाई इतनी कॉस्मेटिक की दुकान है, बट जो मेरे को चाहिए ना वो नहीं मिल रहा। बोल रहे हैं कि ऐसे कलर का नहीं है, वैसे कलर का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 70 चीज़ें बता दी। अभी चलते हैं हार्डवेयर की दुकान पर, चलते हैं हार्डवेयर की दुकान पर से वाइट सीमेंट लेके आते हैं। धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही, ना मैं कैप लगा के आया ना मैं कुछ, बस आ गया अब कुछ लग रहा बहुत ज़्यादा। बादल दिखाऊं, बादल मौसम कैसा हो रहा? मौसम देख लो भाई, मौसम कितना प्यारा हो रहा, बादल ही बादल हो रहे भाई, बादल ही बादल, ये इधर भी और इधर भी, ये देख लो कैड़ा मौसम। आ चुका हूँ हार्डवेयर की दुकान पर, शायद यहाँ से हार्डवेयर वाला सामान मिल जाए। अंकल जी वाइट सीमेंट मिल जाएगा पैकेट में? है भैया सामान तो मिल गया जी। चलो पैसे ले लेते हैं और चलते हैं, एक पन्नी में डाल दो। तो भाई सामान तो ले लिया, अब चलते हैं वापस घर और भाई मौसम क्या ही बताऊं बस। तो भाई जो सामान लेना था वो तो ले लिया, बट कॉस्मेटिक की दुकान पे से एक सामान लेना था वो मेरे को नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, बोल दिया कि हाँ कल परसों तक आ जाएगा, कह रहे ठीक है। तो अभी चलते हैं घर पर और लगाते हैं वाइट सीमेंट, धूप की हो रही है, सूख भी जाएगा जल्दी 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 घर पहुँचते हैं भाई। तो गाइस आ चुका हूँ सामान लेके और वाइट सीमेंट भी ले आया और ये आरी का ब्लेड भी ले आया। आरी का ब्लेड मैं इस वजह से लाया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो वो लगाना है ना मेरे को ये पर्दे के लिए पाइप, वो थोड़ा लंबा है तो उसे काटने के लिए लाया हूँ। ये काटते हैं और फिर लगाते हैं, पर्दे वगैरह टांग दूँ आज, क्योंकि थोड़ा अजीब सा लगता है, अनकम्फर्टेबल सा लगता है, क्योंकि बाहर से आते जाते वालों को सब दिखता है, तो इसी चक्कर में थोड़ी प्राइवेसी भी होनी चाहिए। तो फिलहाल पहले पानी पीते हैं और लगते हैं काम पर, ठीक है। गाइस इतनी मशक्कतों के बाद काटा था, पता कितना लंबा पीस निकला, ये इतना लंबा पीस एक्स्ट्रा है। अभी पता लंबा कितना रह गया, कितना और काटना, ये इतना सा, मतलब कि आधा इंची भी नहीं कह सकते इसे, आधा सा भी, एक चौथा इंच काटते हैं, फिर छिन 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 कटेगा अभी फिर एक घंटे में। तो गाइस हालत देख लो कितनी ख़राब हो चुकी, और ये छोटा सा पीस कटा है,
हाल तो इससे भी कम ही करता, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा काट दिया। छोटा हो गया तो मैं बड़ा कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, लेकिन हिम्मत नहीं है भाई दोबारा काटने की। और हालत देख लो कैसी हो गई, और एक जगह से हाथ छिल भी गया। तो अभी लगाते हैं पर्दे वगैरह ना। गाइज ये तो अभी भी बड़ा है, यही काटना महाभारत है भाई। हाथ की हालत देख लो और इधर की हालत देख लो भाई कैसी हो रही, और ये देख लो उंगली छिल गई यहाँ से, पर काटना तो पड़ेगा अभी। तो गाइज कट गया फाइनली इतनी मशक्कतों के बाद ये भी, अब बस लगे या ना लगे भाई अब देखी जाएगी। तो गाइज पर्दे लगा दिए हैं, ये रहे पर्दे, और अभी दो पर्दे ना लंबे हैं तो, और खिड़की तक आ रहे हैं, और यहाँ पे इन्वर्टर भी है। तो मैंने मम्मी से बोल दिया, मैंने कहा मम्मी इसके पीछे ना सिलाई लगा दो। पहले तो मैंने स्टेपलर लगाए थे बट वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने बोला मैंने कहा उसमें सिलाई लगा दो, मम्मी सिलाई लगा रही है दिखाऊं। तो गाइज इधर लग रही है सिलाई, ये थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा क्या बहुत ही लंबा था, तो अब इसमें मोटी मोटी करके सिलाई लगा दी जो अच्छी भी लगेगी। हैं सिलाई लगा के पड़ता था भाई, तो बता मैं नहीं, नहीं ना बताना, क्यों नहीं बताना, सारी चीज़ बताओ, सारी चीज़ खुल कर रखो यूट्यूब वालों के साथ, फैमिली है वो हमारी अब छोटी सी। तो गाइज लगा दी मम्मी ने सिलाई इनके ऊपर, और अभी लगाते हैं, टांगते हैं पर्दे, ठीक है। अब बस टांगने टांगने का काम रह गया, मैं टांग दूँ, है ना। तो गाइज टांग दिया पर्दे, और ये नीचे से ना बॉर्डर पे से थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्यों, एक तो यार ये पीछे की तरफ का हो गया पूरा, कि ऐसे बंद बंद से मैं सलवट नहीं आ रही, सलवट आ रही है पूरी, मतलब कि ऐसे पूरी क्रीज नहीं खुल पा रही। और अभी मेरे को यहाँ पे दो कील लगानी पड़ेगी, एक इधर और एक इधर, जिससे उड़े उड़े से ना रहे, बाकी ये वाले भी ऐसे ही डाल दिए। हाल मेरे को ये बोल रही थी मम्मी कि ये पलट के लगा, लेकिन मैंने बोला मेरे का नहीं व्लॉग के अंदर अच्छा लगेगा, तो इस चक्कर में मैंने उल्टे लगा दिए। तो गाइस टाइम देख लो टाइम कितना हो रहा भाई, पौने दो, अब खाते हैं खाना, ठीक है। अभी तो फिलहाल गोपाल जी का भोग लगा रखा है, तो वो उठाते हैं और खाते हैं। ये रहा गोपाल जी ने तो खा लिया, और खाने में है वही सुबह वाली आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, अब खा लूँ मैं। तो गाइज खाना तो खा लिया, अब रखते हैं बर्तन को यहाँ पे और छोड़ते हैं इसमें पानी, डन। तो गाइज टाइम हो रहा है 5:30, और भाई मैं तो सो गया था पर्दे वर्दे टांगने के बाद। भाई ये जो हाथ है ना, हाथ ऐसे बंद भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि ब्लेड चलाया था ना जो आरी का वो ब्लेड होता है, तो उसके चक्कर में भाई ये तो हाथ ऐसा हो गया बिल्कुल कटा कटा सा। ये वाला तो फिर भी ठीक है, ये वाला भाई ये वाला देख लो ऐसे बंद करने दर्द हो रहा था, तो मैं तो भाई सो गया था, अब उठाऊँ। तो गाइज टाइम हो रहा है 6:30, और अभी मैं जा रहा हूँ हाईवे के पास, क्योंकि जो दवाई मंगाई थी ना मम्मी की ऑर्डर के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि भैया आपका लोकेशन नहीं मिल पा रही है, मैं ये नहीं मिल पा रही, वो नहीं मिल पा रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, रुको जहाँ पे हो आप, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि भैया हाईवे पे हूँ मैं, हाईवे पे आ जाओ, अब दोबारा से हाईवे पे जाना। अभी तो सुबह तो गया ही था, अब नींद खुली खुली है, और एकदम से हाईवे पे चलते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि यार डिलीवरी बॉय भी यार भाई बहुत मेहनत करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा वेट करा के फ़ायदा तो है नहीं। एक बार देखना पड़ेगा भैया कहाँ हैं, मेरे को तो दिख भी ना रहे, शायद वे रहे वे खड़े। शीनू भारद्वाज भैया ढूंढ रहे हैं अभी, यही है ना, हाँ यही है। तो गाइज ले ली मम्मी की दवाई, अब रोड क्रॉस करके चलते हैं सीधा घर बहुत तेजी से। गाइज मौसम देख लो भाई, कितना प्यारा मौसम हो रहा है भाई, ऊपर सनसेट देख लो कैड़ा हो रहा ना। तो गाइज आ चुका हूँ मम्मी की दवाई लेके, और अभी फिलहाल बैठा हूँ यहाँ पे, और चार्जिंग पे लगाना है फ़ोन, क्योंकि फ़ोन की बैटरी पता नहीं क्यों इतनी जल्दी जल्दी डाउन हो रही है। तो अभी टाइम हो रहा है भाई 7:45, तो अभी फिर उसके बाद खाना पीना खाएंगे, ठीक है। बस अभी फ़िलहाल फ़ोन चार्जिंग पे लगा दे। तो गाइज टाइम हो रहा है 8:30, और खाने में आज उसकी नारियल की चटनी और ये रोटी, अब खाते हैं इसे। तो गाइज खाना तो खा लिया, तो गाइज खाना पीना तो खा लिया, और गाइज आज का व्लॉग करते हैं एंड। और आज आपने देखा भाई पर्दे वर्दे लगाने में हालत ख़राब हो गई थी, बाकी मम्मी की दवाई जो मैंने ऑर्डर करी थी वो भी आ गई। तो हाँ इस व्लॉग को करते हैं एंड, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर उसे सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब बस दबा दो, सब्सक्राइब करवा दो, और खुद भी कर दो और लोगों से भी करवा दो, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। हाथ में लग गया ब्लेड, 3-4 जगह लग गया, देखो 1, 2, 3, 4, और ये पूरा ऐसा लंबा कट रहा था।